कुछ थोड़ी पर्सनल जिंदगी बारे बात करते हैं. मैरिड माशाल्लाह 11 years यार यंग एज में आपने शादी कर ली होगी काफी. मैं इतना यंग हूँ नहीं लेकिन यार किड्स ऑल गुड. आई हैव टू किड्स. आई हैव बीन मैरिड फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 12 इयर्स और आई जस्ट ट्राई टू जो भी मैं करता हूँ आई थिंक मैं अपने फैमिली के लिए करता हूँ और फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नेवर बीन कॉन्ट्रोवर्शियल. You can't say that. Everyone is controversial. मतलब वो होता है ना कि other than the recent सभा का मशहूर जो आपने अब जाके किया है वो एक धामी स्टेटमेंट दे दिया आपने. कुछ बताएं उसके पीछे क्या थॉट आई थी कि करना चाहिए हमें, वो हुआ क्यों? किसकी बात कर रहे हैं, शूट की फैमिली की? नहीं मैं शूट की बात कर रहा हूँ. शूट को क्वेश्चन को इन्होंने शूट कर दिया. अच्छा ठीक है. हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं राहुल खान, उनका कॉन्सेप्ट था और वो एक बहुत ही ग्लैमराइज्ड एक बहुत ही इंटरनेशनल किस्म का शूट करना चाहते थे. सो मैं बहुत ही इन माय स्टाइल सेंस मैं बहुत क्लासिक रहता हूँ लेकिन ही गेन माय कॉन्फिडेंस और उन्होंने कहा कि आप इस तरह के अगर एक्सपेरिमेंटल कपड़े पहने और इस तरह की एक्सपेरिमेंटल एक केमिस्ट्री जॉनरा या पोज करें तो काफ़ी बोर्ड हो गया. सो बातें तो चलती रहेगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द रैपिड फायर एपिक सेलिब्रिटी इन योर ओपिनियन. अली अजमत जिनके साथ आपने स्टेज पे वो भी हम मोमेंट शेयर दिखाएंगे कि आई एम एन आई विटनेस दैट ही मिकाल परफॉर्म विद हिम दैट वाज योर फर्स्ट स्टेज. अब इस तरह से एक चीज परफॉर्मेंस है. हां बिल्कुल यार दैट शुड बी वो. हां बहुत इंस्पिरेशनल था जिस तरह अली अजमत ही इज अ ग्रेट फ्रेंड आल्सो और बड़ा शुरियल किस्म की बात होती है कि किसी बंदे को आप बचपन से आइडलाइज करो एंड देन ही बिकम्स योर फ्रेंड एंड देन यू गो ऑन द स्टेज एंड यू लुक इनटू हिज आईज एंड यू लाइक नो फियर डू इट विद मी. व्हिच सॉन्ग वर यू सिंगिंग इफ यू रिमेंबर? हमने दोस्ती परफॉर्म किया था और फिर मैंने पुश करके नारे ना द मास्टरपीस. एपिक गेम क्रिकेट. फुटबॉल क्यों नहीं? फुटबॉल बहुत सिंपल गेम है, क्रिकेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है. सही है. एपिक सेलिब्रिटी दोस्त अली अजमत और लड़की वो भी अली अजमत. दोस्ती तो बहुत हैं, दोस्तियां तो मेरी बहुत हैं लेकिन कोई एक जो सेलिब्रिटी और दोस्त भी हो और बस दोस्त ही हो. मुझे लग रहा है शूट के बाद सभा कमर ही बनती है. चलो सभा कमर देखा. एपिक फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी. ये तो बनता था जी. सिंस यू बीन अ मॉडल और इतने लोगों के साथ में काम किया. एपिक डिजाइनर HSY उमर सईद. दोनों और भी बहुत है लेकिन ये नाम अभी मेरे दिमाग में है. एपिक सिंगर एंड बैंड Bon Jovi Guns N' Roses U2 Queen. और बाय द वे आपने कभी किसी का कॉन्सर्ट अटेंड किया है? मैंने Guns N' Roses का किया है. और वो कब किया? 3 मार्च 2017. और आज हम कैमरा के सामने वादा करते हैं कि 2020 या 2021 तक हम एक होना चाहिए, एक कॉन्सर्ट जाके देखना चाहिए. क्या ख्याल है आपका? लंदन 29th में GNR इज परफॉर्मिंग, साथ चलते हैं. एक एपिक कोट. ये कोट है दैट चेंज्ड माय लाइफ एंड इज बाय मार्क ट्वेन. द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ आर द डे दैट यू आर बोर्न एंड द डे यू फाइंड आउट व्हाई. एपिक बुक इन योर ओपिनियन? ओपन बाय एंड्रे एगसी. ओके ये आप मुझे गिफ्ट करेंगे? आपको गिफ्ट नहीं करूंगा लेकिन आपको रेफर जरूर करूंगा. अच्छा दिस इज बुक दैट चेंज्ड माय लाइफ. एक एपिक डायलॉग जो आपको लगे चाहे किसी का हो या आपका अपना हो. या फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज, फॉर थिंग्स टू इम्प्रूव यू हैव टू इम्प्रूव, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर यू हैव टू गेट बेटर. व्हेन यू चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ चेंज, व्हेन यू ग्रो एवरीथिंग इन योर लाइफ ग्रोज विद यू. कमाल क्या बात है. तो क्योंकि आप एक मॉडल है तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ लो IQ क्वेश्चंस भी होने चाहिए. जरूर. ज़ोडियक साइन? टॉरस. और फेवरेट कलर, परफ्यूम, फूड? Black and white, black by Kenneth Cole, burgers are my weakness. जाने दें यार, कहाँ burgers खाते होंगे? मैं मंगवाऊँ? Weakness है, please मंगवाते हैं. कहीं से नहीं खाते होंगे. यकीन है keto, shito, उस किस्म का food ही खाते होंगे. Oh please, I've never been on keto. अच्छा, fuzzy yeah. So full name क्या है? Himal Irfani. That's it. मुझसे पूछें. मोहम्मद सरफराज अलीम यूसुफ अली मीर खान नियाज़ी. वाह ये होता है नाम. या कंफ्यूज कंफ्यूजन. ये तो मिर्ज़ा गालिब के नाम को ही पूछा है मुझसे किसी ने. पूछा ये एक ही बंदा है? मैंने कहा एक ही बंदा है. अच्छा क्रिकेट, जिम और एक्टिंग में से एक? एक्टिंग ऑफ कोर्स. अच्छा और अगर ये सवाल मैं आपसे 10 साल पहले पूछता तब मैं आपको जवाब ही ना देता और कमरा छोड़ के बाहर चला जाता. मतलब एरोगेंट थे, एटीट्यूड था? नहीं, बहुत सोशल एंग्जायटी थी. सो आवर नेक्स्ट सेगमेंट इट इज अबाउट एपिक सोशल रिस्पांसिबिलिटी व्हिच इज कॉल्ड ESR. हाउ कैन वी मेक सोशल मीडिया अ बेटर प्लेस टू लिव? योर आंसर इन 45 सेकंड्स. आई थिंक व्हेन सोशल मीडिया केम दे
what the people got was a voice, jahan pe unko ek platform mila where they can express their opinions, their views. So how can we make it more responsible? I think balance hona bahut zaruri hai kisi bhi cheez mein. You cannot be very negative and you cannot be extremely positive. Aapko ek balance ke sath perspective rakhte hue agle bande ki respect rakhni bahut zaruri hai. So jo aapke jo fans hai और आपके सोशल मीडिया पे लोग जर्नी आपने नोट किया कि कमेंट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, कैसे आते हैं? 90-95% आई रियलाइज के बहुत इम्प्रूव कर चुके हैं, बहुत इम्प्रूव कर चुके हैं. बहुत 90-95% दे आर पॉजिटिव, 5% आर नेगेटिव, विच इज़ ओके. और ये जो इतना अरसा आपने काम किया है, ठीक है, आपने अभी तक कोई अवार्ड तो नहीं जीता ना? मैंने लग से जीता एज अ बेस्ट मॉडल. जी हाँ. मगर अगर आपको कभी लगे कि आप बेस्ट एक्टर अवार्ड जीत जाए, आपको लगता है वो मेरिट पे होगा? हाँ, मेरिट पे होना चाहिए. होना चाहिए और होगा. 2020 का गोल है. 2020 क्रिकेट की बात कर रहे हैं आप? नहीं, 2020 इस साल की बात कर रहा हूँ. 2020, आई डोंट नो, अवार्ड्स आर लाइक गिफ्ट्स, यू कांट एक्सपेक्ट टू हैव अवार्ड्स. नेक्स्ट हमारा जो है सेक्शन, दैट्स एपिक रैंडम. अभी तक भी कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं, मगर और रैंडम क्वेश्चंस हैं. सो देखेंगे कितना रैंडम हो जाएगा. योर एपिक मेमोरी. एपिक मेमोरी, पाकिस्तान विनिंग द वर्ल्ड कप 1992. क्या वैसे क्या है, क्या मेमोरी थी? इससे ज्यादा मैंने, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानियों को खुश देखा. उसके बाद ये भी हुआ था जो 2009 में, जब 2020 था ना. हाँ, 2020 था, मगर 2020 तब तक पहले ही नहीं था, तो अब तो फॉर्मेट काफी बड़ा वर्ल्ड कप बन चुका है. और अभी 2017 में जब पाकिस्तान ने ICC चैंपियनशिप, आई थिंक दैट द लास्ट गुड मेमोरी. बट हैविंग सेड दैट, मेरे लिए ना, बिकॉज आफ्टर डेकेड क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है, तो PSL भी पाकिस्तान वापस आ गया. सारे मैचेस हो गए, वी आर ऑल एक्साइटेड. बड़ी अच्छी बात है. एक सीरियस सवाल जी, सो टेल मी, जिंदगी क्या है, जिंदगी का मकसद और उसकी जस्तुजू? ओहो, इतना हैवी सवाल है. मेरे ख्याल से लाइफ इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस फाजी. यू हैव टू टेक द गुड वंस विद द बैड वंस. हर एक्सपीरियंस, हर इंटरेक्शन, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. ठीक है, आप अपने बुरे एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखते हो जितना कि आप एक रोल पे अच्छे एक्सपीरियंस से सीखोगे. आप सीखते हैं? सो बुरे एक्सपीरियंस है. बैंकॉक वाले शूट से कुछ सीखे आप? अगर कोई पुराना, मैं तो बहुत सीखा हूं. पुराना इमाद होता है ना, वो चीजें तोड़ कर आता रेबेलियस. अच्छा, तो ये तो जिंदगी होगी. जिंदगी का मकसद क्या है और जस्तजू क्या है? पर्पस शुड बी टू रीइन्वेंट योरसेल्फ. अपने आप को जानो, अपनी कैपेबिलिटीज को जानो, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानो, और आप क्या बन सकते हो. यू कैन ऑलवेज हैव मोर बिकॉज यू कैन बिकम मोर. अपने आप पे काम करते रहो. मकसद यही है जिंदगी का. एक मकसद मुझे लगता है ये भी है कि पाकिस्तान का सबसे फिट आदमी, क्योंकि अभी आपने पिछले दिनों एक वो भी लगाई है पोस्ट, 1000 किलोमीटर पत्नी दो दिनों में नहीं, 28 महीनों में. दो दिनों में कुछ नहीं होता, 28 महीनों में मैंने 1000 किलोमीटर कवर किया है. बहुत आला यार. मेरी मकसद पाकिस्तान का सबसे फिट आदमी बनना नहीं है, मकसद बस एक्टर होना है. मकसद अपने आप को इंप्रूव करते रहना. ठीक है, हु आर द सेलिब्रिटीज यू फॉलो एंड व्हाई? सब्सेस की वजह से, दोस्ती की वजह से, रैंडम वजह से? आई बिलीव एज एन आर्टिस्ट जो कि इन्फ्लुएंस आपको आपके फॉर्म